हेलो एवरीवन, मैं हूं मर्तस्कीर और आप देख रहे हैं WsCubeTech YouTube चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टारगेटिंग एक्सपेंशन ऑप्शन के बारे में। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज और वीडियो सीरीज मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं टारगेटिंग एक्सपेंशन क्या होता है और हमारे कितना काम आ सकता है। दोस्तों, यहां पर आ चुका हूं मैं सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो हम लोगों का ये सेक्शन था कंटेंट वाला, इसके नीचे आपको यहाँ पर ये टारगेटिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलेगा। अब ये टारगेटिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन क्या करता है? सपोज करते हैं आपने कुछ ऑडियंस ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है, ठीक है, उसके जैसी और दूसरी ऑडियंस आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, ठीक है, बट आप चाहते हैं कि ये ऑडियंस जो सेट है ये लिमिटेड है, मुझे और ज़्यादा यूजर्स को और ज़्यादा ऑडियंस को भी अपना ऐड दिखाना है, तो इन दैट केस आप टारगेटिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे आपको दिख रहा होगा, इंक्रीज योर रीच बेस्ड ऑन द पॉजिटिव टारगेटिंग एंड द सेटिंग सेलेक्टेड अबव। जो भी चीजें आप यहां पर ऑडियंस डेमोग्राफिक्स जो भी चीजें सेलेक्ट करते हैं, टॉपिक्स, ये सारी चीजें, इनके बेसिस पर गूगल इन्हीं जैसी जो दूसरी ऑडियंस है उस तक भी आपकी रीच को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा अगर आप टारगेटिंग एक्सपेंशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखेंगे। अब कितना इंक्रीज करेगा? ऐसा तो नहीं कि पूरे इंटरनेट पर इस टाइप की जितनी भी ऑडियंस है उन सभी को हमारा ऐड दिखा दे, तो इसकी भी विंडो है आपके पास। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, अभी तो ये ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, ऑफ है। उसके बाद इस ऑप्शन को आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सपैंड करना शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आप इसको एक्सपैंड करेंगे आपकी जो रीच है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो जिस तरीके से आप यहां पर सिलेक्शंस करेंगे और फिर आप इस विंडो को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो रीच है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बट कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर बहुत डिफाइंड टारगेट सेट कर लेते हैं, मतलब बहुत एक्यूरेट, बहुत एग्जैक्ट टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर उसमें फिर टारगेटिंग एक्सपेंशन जो है बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करता है क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत नैरो टारगेटिंग सेट कर रखी है। अगर ऑलरेडी आपने बहुत नैरो टारगेटिंग सेट कर रखी है तो थोड़ा सा टारगेटिंग एक्सपेंशन को काम करने में प्रॉब्लम होती है, उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। बट अदरवाइज एक अच्छा फंक्शन है अगर आप चाहें कि आपका जो ऐड है, आपका जो डिस्प्ले ऐड है वो आपकी सेलेक्टेड ऑडियंस जैसी लुक अलाइक उसी जैसी ऑडियंस को और दिखे इंटरनेट पर। दोस्तों, आशा करता हूँ, एक बहुत छोटा सा टॉपिक था टारगेटिंग एक्सपेंशन, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टारगेटिंग एक्सपेंशन काम करती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।